हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको एयरटेल का नए यूपीआई ऑफर के बारे में बताएंगे और भी दो ऑफर बता देंगे जो एयरटेल की तरफ से आ रही है। उसी के संग आपको पैसा वापस के तरफ से अभी एक पेपाल वाला ऑफर चल रहा है जिसके तहत तो आपको 100 रुपए का गिफ्ट कार्ड खरीदना होगा और पेपाल की तरफ से आपको 25 रुपए वापस मिल जाएगा। और आपको पेटीएम जिंगोय वाला ऑफर 5 पे 25 यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो आपको पेटीएम में 25 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। ये ऑफर के बारे में भी बातचीत कर लेंगे, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। उसके बाद ही आपको बताना चाहेंगे, आपको रोजाना इस प्रकार के ऑफर मिलने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बगल का घंटा भी दबा देना है। नीचे जाके जरूर कमेंट कर दीजिएगा, कुछ भी दुविधा होगा इस वीडियो को जरूर एक लाइक करके अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फटाफट वीडियो को। पहले जिंगोय का ऑफर बताएंगे, उसी के बाद पैसा वापस, लास्ट में जाके एयरटेल का सभी ऑफर देखेंगे। आ जाइए। तो अभी कोई भी ब्राउजर पे जाके आपको जिंगोय सर्च कर लेना है। जिंगोय को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ भी नया अकाउंट नहीं है तो एक नया अकाउंट बना लीजिए, नहीं तो पुराना अकाउंट पे ही चल जाएगा। नया अकाउंट बनाएंगे तो आपको 30 रुपए मुफ्त में मिल जाएगा। तो अभी इसका ऑफर क्या है दिखा देते, ऊपर ही बैनर चल रहा है तो एक एक करके ये देखिए बैनर, 5 पे 25 कैशबैक यूजिंग पेटीएम यूपीआई, इसके ऊपर टैप कर लेंगे तो आपको इधर जाके पेटीएम का नहीं खरीदना है गिफ्ट कार्ड, क्योंकि पेटीएम का गिफ्ट कार्ड खरीदेंगे तो आपको शायद 23 रुपए चार्ज ही लग जाएगा 250 रुपए का गिफ्ट कार्ड खरीदने में। तो अभी जाके अमेजन या जिंगोय का गिफ्ट कार्ड खरीद लीजिए, बाद में जाके कुछ भी ऑफर आएगा तो पेटीएम का भी खरीद सकते हैं। अमेजन का बहुत सारे ऑफर चलता है तो अमेजन का गिफ्ट कार्ड खरीदने में ही आपको आसानी होगा। तो चलिए अमेजन का गिफ्ट कार्ड इधर से उठा लेते हैं। और अमेजन का गिफ्ट कार्ड उठाने के बाद आपको इधर क्या करना है, आपको इधर जाके 50 रुपए का गिफ्ट कार्ड ढूंढ लेना है। 50 रुपए का गिफ्ट कार्ड 5 बार खरीदना है इस प्रकार से। ये देखिए कार्ड पे ऐड करने के बाद आ जाइए, बहुत सारे इसके ऊपर वीडियो है मेरे चैनल ऊपर, वो भी जाके देख सकते। अभी आ जाइए, फटाफट बता देते, अभी मेरे जिंक कैश पे कुछ 11 रुपए है, इसको अभी हटा देना पड़ेगा नहीं तो ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसको कंटिन्यू करने के बाद प्रोसेस टू पे करना पड़ेगा। प्रोसेस टू पे करने के बाद आपको इधर नीचे दिख जाएगा, ये देखिए पेटीएम यूपीआई ऑप्शन, तो इसके ऊपर एक डिटेल्स भी आपको दिखा रही है। तो देखिए कैंपेन ड्यूरेशन 26 से लेकर 27 तारीख तक के 2 ही दिन चलेगा। आज 26 से सुबह से चालू हुआ है, 27 तारीख पूरे दिन चलेगा। तो जाइए ये 2 दिनों के अंदर आपको कर लेना पड़ेगा 5 UPI ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो एक दिन में भी पूरे कंप्लीट कर सकते हैं। इधर एक ट्रांजेक्शन करने के बाद पेटीएम ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाने के बाद आपको एक्टिव कर लेना है इस ऑफर को पेटीएम ऐप पे ऊपर जाके, जिधर आपको कैशबैक सेक्शन मिलता है, और पूरे 5 ट्रांजेक्शन कर लेने के बाद आपको 25 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए यू नीड टू कंप्लीट 5 पेमेंट्स विद इन 2 डेज 25 रुपए कैशबैक मिलने के लिए। ठीक है, तो यही था ऑफर। तो अभी आ जाते हैं दूसरे पैसा वापस के ऑफर के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं अपने चैनल पे ऊपर है, जाइए और देख लीजिए। अभी पैसा वापस के ऑफर के ऊपर आ जाते हैं, आ जाइए। जिंगोय की तरह वही सेम बात कहना चाहेंगे, आपके पास पैसा वापस के कोई भी अकाउंट नहीं है तो तुरंत जाके बना लीजिए, नहीं तो पुराना अकाउंट होगा तो भी चलेगा, नए अकाउंट के लिए तो चलेगा ही चलेगा, पुराना अकाउंट के लिए भी चल जाएगा। ऊपर ही आपको एक बैनर दिख जाएगा, तो बैनर शो हो रहे हैं, तो अभी फिर से आप पैसा वापस को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करने के बाद तुरंत दिख जाएगा। आ जाइए, ये देखिए ऊपर बैनर चल रहा है, तो बैनर फिर से हट गया इधर से, तो बैनर को फिर से एक बार खोल लेते हैं, बैनर तुरंत हट जाता है। तो ये देखिए गेट इंस्टेंट 25 कैशबैक ऑन थर्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, आपको अभी ये जो ऑफर है कुछ चेंजेस हो चुका है, क्योंकि पैसा वापस के तरफ से ये इंफॉर्मेशन मुझे मिला है। अभी आपको एक ही बार गिफ्ट कार्ड खरीदना है, एक ही बार गिफ्ट कार्ड खरीदने से आपको क्या होगा, आपको सिर्फ एक ही बार 25 रुपए मिलेगा। अभी जाके 3 बार गिफ्ट कार्ड खरीदेंगे तो आपको 75 रुपीज का फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इस बैनर के ऊपर टैप कर लेते हैं, और टैप करने के बाद आपको गिफ्ट कार्ड ऑप्शन के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। ये देखिए रिडायरेक्ट हो चुका है। अभी आपको जाके फिर से वही बात है, आपको इधर से अमेजन का गिफ्ट कार्ड खरीदना है, नहीं तो पैसा वापस का गिफ्ट कार्ड, पैसा वापस का गिफ्ट कार्ड खरीद लेंगे तो बाद में जाके और भी गिफ्ट कार्ड खरीद सकते। तो इस प्रकार से आपको जाके अमेजन के ऊपर आ जाना है। अमेजन के ऊपर आ जाने के बाद आपको इधर से 100 रुपए का सिर्फ एक गिफ्ट कार्ड खरीदना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाइए और 100 रुपए का एक गिफ्ट कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, मेक पेमेंट करते हैं। मेक पेमेंट करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, नीचे आ जाने के बाद आपको इधर पेपाल का ऑप्शन भी दिख जाएगा। ये देखिए पेपाल का ऑप्शन, देखिए गेट फ्लैट 75 रुपीज कैशबैक इंस्टेंट 25 ऑन ईच ट्रांजेक्शन ऑन मेकिंग 3 पेमेंट्स मिनिमम 100।
तो पैसा वापस की तरफ से यही अपडेट मिला है, क्योंकि अभी एक ही ट्रांजैक्शन के लिए आपको मिल रहा है, क्योंकि अभी जब जाके आप 3 ट्रांजैक्शन कर लेंगे तो शायद आपको ना मिले, ठीक है। तो एक ही बार गिफ्ट कार्ड खरीद दीजिए तो आपको 25 रुपए का फायदा हो जाएगा। आपके पास कभी भी पैसा वापस के ऊपर जाके कोई भी पेपल अकाउंट को कभी भी लिंक नहीं किए होंगे तो उसी अकाउंट से करेंगे, और नहीं तो एक नया अकाउंट आप क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद ही खरीदारी कीजिए। और एक पुराना पेपल अकाउंट होगा तो उसपे ऊपर जाके करिए, क्योंकि पैसा वापस के पहले आप खरीदारी कर चुके होंगे तो उस अकाउंट को मत इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं, ये देखिए यही ऑफर है, वैलिड टिल 28 जुलाई रात को 12 बजे तक। इधर आपको हर एक ट्रांजैक्शन पे 25 रुपए दिया जाएगा, मगर टर्म्स एंड कंडीशन में शायद कुछ चेंजेस आ गया है, तो ही ये अपडेट मुझे मिल चुका है। तो आप जाइए एक ही बार कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं एयरटेल का ऑफर के ऊपर, और एयरटेल का ऑफर बता देते हैं, आ जाइए। एयरटेल का नया ऑफर चेक करने के लिए एयरटेल बैंक को ओपन कर लीजिए, उसके बाद बैंक सेक्शन में नीचे देखिए होम बैंक प्ले मोर। तो अभी आपको बैंक सेक्शन के ऊपर आ जाना है, और इधर देखिए आपको ओयो का नीचे एक मोर ऑप्शन दिख रहा है, तो इस मोर ऑप्शन के नीचे आपको ऑफर सेक्शन दिख जाएगा, ये पूरे खोलना पड़ेगा पहले, तो चलिए खोल लेते। ये देखिए ऑफर सेक्शन आपके सामने ओपन हो गया, तो ऑफर सेक्शन को टैप करने के बाद आपको सभी ऑफर आपके सामने खुल के ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी सभी जो ऑफर है एयरटेल के ऊपर चल रहा है, तो देखिए फ्लैट 50 कैशबैक, पहले वाला ऑफर बता देते, ये कोई भी यूपीआई ऑफर नहीं है। जब जाके आप मिनिमम 100 रुपए का कोई भी डिशटीवी का रिचार्ज करेंगे, एयरटेल डिशटीवी और डिजिटल टीवी, देखिए इधर तो टर्म्स एंड कंडीशन एक बार खोल के ओपन कर लेते हैं। ये देखिए अभी डीटीएच रिचार्ज करना पड़ेगा, ठीक है, एयरटेल हो या अलग सर्विस का तो भी चल जाएगा, ठीक है, मगर आपको पेमेंट करना पड़ेगा एयरटेल से, ठीक है, तो उसके बाद ही आपको मिल जाएगा। ये देखिए ऑफर वैलिड 9 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है, तो कैशबैक विल बी क्रेडिटेड आपको 3 दिनों के अंदर दे दिया जाएगा। और देखिए एयरटेल पेमेंट सर्विस बैंक अकाउंट ऐप और एयरटेल वॉलेट, वॉलेट से भी आप कर सकते हैं और सेविंग्स बैंक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम ट्रांजेक्शन आपको 100 रुपए का होना चाहिए और डीटीएच करना पड़ेगा, इधर एयरटेल का डीटीएच होगा, इस प्रकार के कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तभी इसको क्लोज करते हैं, और एयरटेल के यूपीआई ऑफर के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है दिखते आ जाइए। ये देखिए गेट अप टू 250 रुपए कैशबैक ऑन यूपीआई ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर भी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है देख लेते। अभी आपको कैशबैक मिलेगा 2 रुपए जब आप 2000 से लेकर 4999 रुपए तक अप करेंगे, इसके मतलब 4990 रुपीज तक, 99 रुपीज तक जब कोई भी यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे 2000 से लेकर, 2000 से ऊपर करेंगे 5000 से नीचे, और आपको 2 रुपए मिलेगा, ठीक है। और 5000 रुपए जब ट्रांजेक्शन करेंगे 5000 रुपए या 5000 रुपए से ऊपर, तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन के लिए 5 रुपए मिलेगा। मैक्सिमम कैशबैक आपको कितना मिलेगा, मैक्सिमम कैशबैक आपको 250 रुपए मिलेगा, और ये जो ऑफर है आज ही के दिन से शुरू हुआ है 26 जुलाई से, और चलेगा 16 अगस्त तक, बहुत दिन तक चलेगा, अभी भी इस महीने का 7 दिन पड़ा हुआ है शायद, 7 से 6 दिन, और उधर 16 अगस्त तक, इसके मतलब शायद 21-22 दिन तक चलेगा। तो अभी 2000 रुपए के लिए तो आपको 2 रुपए, और उस 5000 रुपए से ऊपर करेंगे तो आपको 5 रुपए मिलेगा। तो चलिए अभी झटपट कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, 3 दिनों के अंदर मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। और नीचे अभी आ जाते हैं, वह एयरटेल का और भी एक ऑफर चल रहा है, तो पूरे नीचे आ जाना है, ये ऑफर शायद बहुत लोग नहीं देखे अभी तक। ये देखिए फ्लैट कैशबैक ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, इधर आपको टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिखा है आपको पढ़ के सुना देते, आ जाइए। ये जो ऑफर है ये भी चल रहा है 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक मिलेगा, और आपको 700 रुपए मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना है, और आपको वॉलेट से करेंगे या एयरटेल सेविंग्स अकाउंट से करेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। ऑफर इज नॉट वैलिड ट्रांजेक्शन डन फिजिकल एजेंट, ठीक है, फिजिकल एजेंट से करेंगे तो आपको ये ऑफर का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो देखिए wecare@airtelbank.com और कॉल कर सकते हैं 400 पे, और नहीं तो और भी एक नंबर है 8800688006, इधर एक नंबर है एयरटेल यूजर के लिए, नॉन एयरटेल यूजर के लिए, ठीक है, जाके कॉल लगा लीजिए तो आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कस्टमर केयर के पास से। तो
तो इस प्रकार से आप जाइए, आपको केवाईसी अकाउंट नहीं होगा, मिनी केवाईसी अकाउंट होगा तो भी मिल जाएगा, ठीक है, नॉन केवाईसी होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखिए अभी इस प्रकार से कर लीजिए, बहुत दिन तक अभी भी चलेगा ऑफर, ऑफर इज नॉट वैलिड हु यूज डन इलेक्ट्रिसिटी बिल बिटवीन। और भी एक इधर पॉइंट है, देखिए 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक जो लोग कभी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर चुके होंगे उन लोगों के लिए ये ऑफर नहीं है, क्योंकि 15 जुलाई से ये ऑफर चालू हो रहा है। तो 15 जुलाई से पहले जो 14 जुलाई तक कभी भी इस साल का पहला 1 जनवरी से लेकर 14 जुलाई तक जो भी पेमेंट कर चुके होंगे उन लोगों के लिए ये ऑफर नहीं है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही पेमेंट कीजिएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं, पूरे ऑफर खत्म हो गया है, वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो, नहीं तो कमेंट करके नीचे बता भी सकते हैं किस प्रकार से सुधारी कर सकते हैं। अभी वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।